हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V29 5G फ़ोन है, तो वीवो V29 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में DPI सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन में, और फ़ोन का DPI आप कैसे बढ़ा सकते हैं वीवो V29 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की DPI सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन का DPI आप कैसे बढ़ा सकते हैं वीवो V29 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जिस पे जाकर अपने फ़ोन में DPI को आप इंक्रेस कर सकते हैं और फ़ोन का DPI आप बढ़ा सकते हैं। सिंपली सेटिंग शो हो रही है, देख सकते हैं। तो आपको जाना है अबाउट फ़ोन पे, अबाउट फ़ोन पे जाकर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। तो जो बिल्ड नंबर से इस पर 3 से 4 बार टैप करके डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। डेवलपर ऑप्शन ऑन होते ही फिर आप अपने फ़ोन का DPI इंक्रेस कर सकते हैं। तो इस पर जाना है सिस्टम्स पे, फिर आपके पास रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा, रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ी बैक करना है, बैक करते डेवलपर्स पे चले जाना है जहाँ से DPI को इंक्रीज कर सकते हैं। स्लाइड करते ही स्मॉलेस्ट बिट DPI का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से DPI को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं 490। तो 490 करते ही आपका DPI जिस तरीके इस तरीके से स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आप स्मॉल रखना चाहें DPI को तो रख सकते हैं, या फिर थोड़ी बिग करना चाहें तो बिग भी कर सकते हैं। तो हम इसको 320 कर देंगे, तो 320 में जो आपका DPI है कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से DPI को सेट कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।